morning, dear students. How are you? I hope you all are fine, and I'm also fine. Today, I'm going to start to teach you the addition of three-digit numbers, as well as we study the addition of two-digit number with carry, without carry. So today, we are going to start without carry and with carry words. ठीक है? Starting करते हैं हम without carry वाले addition से. Without carry के जो three-digit के numbers हैं. उनका हम एडिशन किस तरीके से करेंगे. जैसे हम टू डिजिट के हमारे जो नंबर्स हैं उनका विदाउट कैरी वाले जो एडिशन करते हैं उसी तरीके से हमारे थ्री डिजिट का भी एडिशन होता है. ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है हमारा ज्यादा. दोनों नंबर्स में हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं. इट मीन्स हम लोग यहाँ पर जब ऐड करेंगे, जैसे हमने टू डिजिट वाले में किया था कि एक जो हमारा कॉलम है जिसका एडिशन हम कर रहे हैं उसका आंसर भी उसी कॉलम में राइट करते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. हमारे पास में ये एग्जाम्पल है विदाउट कैरी का. ठीक है, विदाउट कैरी कैसे है कि इसमें हमें कोई भी नंबर कैरी नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम एडिशन हमारा, वंस वाले प्लेस से. ठीक है, वंस वाले प्लेस से ही क्यों करते हैं, बिकॉज वंस वाला प्लेस हमारा यूनिट प्लेस होता है. ठीक है, इसको यूनिट प्लेस भी बोला जाता है और वंस का प्लेस भी बोला जाता है. तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, सेवन प्लस टू, सेवन प्लस टू इक्वल टू नाइन. क्या आएगा इसका आंसर, नाइन. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी सिखाया है कि आप लोग एडिशन किस तरीके से कर सकते हो, उसके थ्रू आप लोग को इसका क्या करना है, एडिशन आप इसको फिंगर से भी कर सकते हो और आप इसको स्टिक वाइज भी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉलम है टेंस वाला कॉलम. टेंस के कॉलम का हम एडिशन स्टार्ट करते हैं, फाइव प्लस फोर इक्वल टू नाइन. कितना हो गया, नाइन. उससे नेक्स्ट कॉलम का करते हैं हम, फोर प्लस थ्री इक्वल टू सेवन. कितना हो जाएगा, सेवन. और ये हमारा इसका आंसर हो गया. ठीक है, हमें इसका आंसर ही तो फाइंड आउट करना था. हमें क्या करना है, थ्री डिजिट का एडिशन विदाउट कैरी. विदाउट कैरी में हमारे पास में ये क्वेश्चन था, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम एडिशन, वंस वाले प्लेस से स्टार्ट करते हैं. और वंस वाले प्लेस से जब हम एडिशन करते हुए आगे अंदर, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 799. आई होप आप सभी को ये जो विदाउट कैरी वाला एडिशन है वो समझ में आया होगा. और अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग दूसरा जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं उससे आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में, एक नंबर है हमारा 287 प्लस 512. क्या करना है हमें, इन दोनों को ऐड करना है. एडिशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं आपको पता है, वंस वाले प्लेस से स्टार्ट करो एडिशन. 7 प्लस 2 इक्वल टू 9. 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 एंड 2 प्लस 5 इक्वल टू 7. मैंने आपको एडिशन करना सिखा रखा है कि हम टू नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, तो उसके थ्रू आप लोग इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो बाय फिंगर मेथड एंड बाय स्टिक मेथड. आप इसको दोनों ही मेथड से ऐड करके देख सकते हैं. ठीक है, जो भी आपको सुटेबल लगता है, जो आपको इजी लगता है, आप वो मेथड इसके अंदर यूज कर सकते हो. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. ये तो हो गई हमारे विदाउट कैरी वाले एडिशन की बात. ठीक है, कि हम लोग विदाउट कैरी का एडिशन किस तरीके से करेंगे. आई होप आप सभी को ये समझ में भी आया होगा कि विदाउट कैरी हम लोग किस तरीके से एडिशन करेंगे. मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि वो जो हमारे पहले के एडिशन थे वो टू डिजिट के एडिशन थे और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, थ्री डिजिट का एडिशन. हमारे पास में इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ हमारे पास में नंबर हमारे थोड़े बढ़ गए हैं. ठीक है, पहले हमारे पास में टू डिजिट का नंबर था, अब हमारे पास में थ्री डिजिट के नंबर है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, यानी कि विद कैरी के नंबर्स एडिशन करेंगे हम विद कैरी से. ये विदाउट कैरी वाला हमारा जो ऑप्शन था वो सॉल्व हो गया है. अब हम करेंगे विद कैरी से थ्री डिजिट नंबर का एडिशन विद कैरी. विद कैरी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे राइट करते हैं हमारा एग्जाम्पल. क्वेश्चन है हमारा थ्री डिजिट का नंबर है
9 plus 347. ये हमारा एक क्या है, नंबर है. हमें क्या करना है, इसका एडिशन करना है. अब आपको पता चलेगा कि विद कैरी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ नंबर्स को कैरी करेंगे. इसके लिए आप लोग को यहाँ पर जो आप लाइन लिखते हो HTO यानी कि वंस टेंस हंड्रेड, उसके और इस नंबर के बीच में वन लाइन का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ताकि आप लोग जो अपने जो कैरी वाले नंबर्स हैं उनको राइट करोगे तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. 9 plus 7, ठीक है, 9 fingers plus 7 fingers equal to 16 fingers, कितना हो गया 16 fingers. तो 16 के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे 6, और आपको पता है 16 कैसे लिखा जाता है, 1 6. तो हम दोनों को तो एक ही कॉलम में राइट नहीं कर सकते ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कॉलम में राइट करेंगे. और नेक्स्ट कॉलम में भी यहाँ पे राइट नहीं करेंगे, कहाँ राइट करेंगे, यहाँ पे. तो पहले वाले कॉलम का जो हमारा दूसरा डिजिट है वो नेक्स्ट कॉलम में कहाँ राइट होगा, ऊपर राइट होगा, बिकॉज हम लोग उसको क्या करेंगे, उस कॉलम के बाकी डिजिट के साथ में एड करेंगे. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारा 1 plus 9 equal to 10 एंड 10 plus 4 equal to 14, और 14 के लिए हम 4 कहाँ राइट करेंगे, यहाँ पे, और 1 को नेक्स्ट कॉलम में कैरी कर लेंगे. ठीक है, अब 1 plus 4 equal to 5 एंड 5 plus 3 equal to 8, और हमारा आंसर क्या हो गया, 846. इस तरीके से हमारे जो 3 डिजिट के नंबर हैं, उनको हम कैरी के साथ भी राइट कर सकते हैं. क्या करना है आपको, सबसे पहले आप जिस भी कॉलम का एडिशन कर रहे हो उसका अगर कोई भी हमारे पास में डिजिट आता है, इसका नंबर हमारे पास में क्या आया था, 9 plus 7 equal to 16, तो हम इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो तो उसी कॉलम में राइट कर देंगे, और जो सेकेंड डिजिट है उसको नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर कैरी कर लेंगे. ठीक है, यही इसका रूल है. मैंने आपको 2 डिजिट का जब एडिशन सिखाया था उसमें भी बताया था कि आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को उसी कॉलम में राइट करोगे और जो सेकंड डिजिट है उसको नेक्स्ट कॉलम में कैरी कर दोगे. ठीक है, आई होप सबको ये एग्जांपल समझ में आया होगा. अब हम एक और एग्जांपल इसका सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 7, क्या करेंगे अब हम, सबसे पहले यहाँ पर हमारा सेकंड एग्जांपल राइट करते हैं. हमें ऐड करना है 773 प्लस 129, इसको ऐड करना है. एडिशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, वंस वाले प्लेस से स्टार्ट करो. 3 plus 9 equal to कितना होता है, 3 plus 9 12, तो 12 के लिए हम राइट करेंगे 2 और 1 को कैरी कर लेंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट डिजिट तो उसी कॉलम में राइट करते हैं और सेकंड डिजिट हम लोग नेक्स्ट कॉलम में राइट करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एडिशन. 1 plus 7 equal to 8, 8 plus 2 equal to 10, 10 के लिए हम क्या राइट करेंगे, 0 और 1 को कैरी कर लेंगे. अब 1 plus 7 equal to 8, 8 plus 1 equal to 9, और हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, 9. तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 902. इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं. आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग एडिशन कर सकते हैं. ठीक है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. अब हम लोग एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास में अभी तो ये 2 नंबर्स के थे, ऐसे हमारे पास में 3 नंबर्स भी हो सकते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 विथ कैरी में. ठीक है, हमारा कोई नंबर है 453, ये नंबर है, प्लस एडिशन दूसरा नंबर है हमारे पास में 45, प्लस तीसरा नंबर है आपके पास में 7. इसका आपको करना है एडिशन. ठीक है, कैसे करोगे एडिशन आप,
यहाँ पर आप वंस वाले डिजिट का एडिशन करोगे, 3 + 5 = 8, 8 + 7 = 8 + 7 कितना होता है 15। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 5 और 1 को कैरी करेंगे। अब हम करेंगे टेंस वाले कॉलम का एडिशन, 1 + 5 = 6 एंड 6 + 4 = 10। 10 के लिए हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे 0, ठीक है, 0 हमने यहाँ पे राइट किया। अब हम क्या करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे नेक्स्ट वाले कॉलम, 1 + 4 = 5। इसके नीचे एडिशन के लिए कुछ भी नहीं है तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 5 को एज इट इज राइट करेंगे। आंसर कितना आ गया हमारा, 505। तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ना, आई होप वेरी वेल आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में, और अगर फिर भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।